So this is your SSD formula, in which this SSD formula having two parts. The first one is related to multiplication of velocity to the time, and the second part is here v square upon 2g bracket open f, which is the coefficient of friction, plus minus n in the form of percentage. लेकिन ये जो परसेंटेज के फॉर्म में मैंने यहाँ पे n एक्चुअल में आएगा क्या फॉर्मूला में, अब वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे तो जो हम फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं रिएक्शन डिस्टेंस. क्यों रिएक्शन डिस्टेंस कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ये टाइम है ये हमारा क्या होता है, रिएक्शन टाइम होता है, ठीक है? और इसी रिएक्शन डिस्टेंस को हम लैग डिस्टेंस भी बोलते हैं. जो सेकेंड पार्ट है वो सेकेंड पार्ट हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है. अब अगर आप ध्यान देंगे तो वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन टाइम, तो मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी की यूनिट अगर यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई द टाइम यूनिट, टाइम की यूनिट भी हमें सेकेंड ही रखनी पड़ेगी, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद आपके क्या बचेगा, मीटर बचेगा. तो ये यूनिट क्या बच रही है यहाँ पे, मीटर बच रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको क्या कहा, डिस्टेंस का है, ठीक है? अब अगर सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, v स्क्वायर अपॉन 2g है, ठीक है? बाकी f तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और यहाँ पे जो ग्रेडियंट है उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, दैट इज अ यूनिटलेस. तो ये हमारा सेकंड पार्ट का पोर्शन है. तो अगर मैं इसकी यूनिट ले जाऊं तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई जी की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है? जी की यूनिट क्या होती है हमारी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी उसका वैल्यू होता है हमारे पास 9.81, उसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो अगर आप यहां देखेंगे, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, मीटर से मीटर का एक पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आंसर, मीटर बचेगा. तो दोनों पार्ट में आपकी यूनिट क्या आ रही है, मीटर आ रही है, इसीलिए हमने इनको क्या कहा है, डिस्टेंस कहा है. और अगर हम मीटर मीटर को प्लस करेंगे तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ही होगा, तो अगेन दैट डिस्टेंस इज नोन एज योर एसएसडी. तो यहाँ पे यूनिट वाइज भी आपका फॉर्मूला क्लियर है. यस सर. नाउ एक चीज और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी की यूनिट किस पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी की यूनिट डिपेंड करेगी रिएक्शन टाइम पे. आपको यूनिट इसी तरीके से रखनी है. तो अभी मैंने नॉर्मली मैंने अगर मैं स्मॉल वी लिखता हूँ किसी भी फॉर्मूले में, तो स्मॉल वी की यूनिट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मीटर पर सेकेंड. और अगर मैं कैपिटल वी रखता हूँ लाइक दिस, और आई कैन से दिस इज, तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल वी रखता हूँ तो मेरी यहां पे कैपिटल वी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है? बट अभी हमने जो फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से था. अब मुझे नया फॉर्मूला बनाना है, क्या क्या चेंजेस होंगे किलोमीटर के उसमें, ठीक है? तो अब उसको मैं यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं. तो सबसे पहले हम ये रब कर देते हैं, ठीक है? अब मुझे बताइए व्हाट द रिलेशन स्मॉल वी टू कैपिटल वी, कैपिटल वी और स्मॉल वी के में क्या रिलेशन होगा. इस कैपिटल वी हमारा क्या है, के एम पी एच पर आवर है, स्मॉल वी हमारा क्या है, मीटर पर सेकंड है. तो अगर इसका हम रिलेशन करें तो ये अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 पर 3600 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज माई कैपिटल वी. अब बराबर होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो अब ये बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से ये इस तरीके से 110 बाई 36 कैपिटल वी हो जाएगा. तो अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे एक स्मॉल वी को कैपिटल वी में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 10 बाई 36 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये बात समझ में आ रही, स्मॉल वी को कैपिटल वी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज 10 बाई 36, और आई कैन से दिस इज 1/3.6. और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 0.278 कैपिटल वी.
आया? यस ठीक है, सो सर। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले में स्मॉल वी की जगह आप कैपिटल वी रख दीजिए और उसके आगे ये फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस, अभी मैं जो ये मैंने ये लिखा है इसको मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे बना देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास एसएसडी का कुछ इस तरीके से है, स्मॉल वी टी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g एफ प्लस माइनस एन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, कुछ इस तरीके से। स्मॉल वी, पहले ये वाला पार्ट लेते हैं, स्मॉल वी को कैपिटल वी में कन्वर्ट करने के लिए 0.278 कैपिटल वी एंड टी। रिमेंबर दिस स्मॉल टी हैविंग द यूनिट ऑफ सेकेंड, ठीक है, स्मॉल टी की यूनिट क्या है यहाँ पे, सेकेंड में ही है, ठीक है। और ये जो कैपिटल वी है ये हमारा के एन पी एच पर हम इसे यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे करिए इंक्लूड, तो यहाँ पे क्या होगा 0.278 कैपिटल वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, जी की यूनिट हम अभी जी रखते हैं, एफ प्लस माइनस एन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है ना। अब यहाँ पे यस जी सर। की यूनिट भी रख दीजिए, जी की यूनिट क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे बेसिकली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है कि ये कैसे मीटर में आता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ जी की वैल्यू रख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जी की वैल्यू रखूँ तो आप देखेंगे 2 × 9.81 आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करें, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए जरा इसको, तो ये आपका आंसर कितना आएगा, एटीन पॉइंट सिक्स टू आएगा, सॉरी 19.62 आएगा, कितना आएगा 19.62 आएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर की वैल्यू है इसको इसके नीचे ले आइए, तो मैं इस ऊपर की वैल्यू को जो न्यूमरेटर में है उसको मैं डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। तो मैं इसको इस तरीके से यहां पे लिख दे रहा हूं, 0.278 का होल स्क्वायर, वी को मैंने बाहर ही रखा है, वी को मैंने न्यूमरेटर में ही रखा है, बस मैंने जो वैल्यू है उसको मैंने नीचे फ्रैक्शन में रख दिया। तो मैं इस वाले पोर्शन को यहां से रब कर सकता हूं, आई कैन रब दिस वन पोर्शन, ओनली वी स्क्वायर विल बी हेयर, वो भी कैपिटल वी, क्लियर। नाउ सॉल्व दिस पोर्शन, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर आंसर 253 और 254, बताइए क्या लिया जाए। 254 बिकॉज जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 253.868, तो 0.8 है उसको हम राउंड ऑफ करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू यहाँ पे आई है वो आई है 254। ठीक है, तो फाइनली आपका एसएसडी आएगा किसमें, मीटर में ही आएगा, क्लियर रखिए। लेकिन अब यहाँ पे जो ये कैपिटल वी है ये इसकी वैल्यू क्या है, के एम पी एच आवर, रिएक्शन टाइम की वैल्यू क्या है, सेकंड। यहाँ पे इस वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के सेकंड। एम पी एच आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। एफ की वैल्यू हमारे पास क्या होता है, एफ हमारे पास एक तरीके से यूनिट लेस होता है और एन भी हमारे पास यूनिट लेस होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, दिस इज द फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमारे पास कैपिटल वी दे रखा हो जिसकी यूनिट हमारे पास किलोमीटर पर आवर में होगी। और जो ऊपर का फॉर्मूला है, ये ऊपर का फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकंड में गिवन है। सो आई थिंक दिस इट, दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। और इसमें भी जो एसएसडी आएगी वो भी मीटर के फॉर्म में आएगी, जो नीचे एसएसडी आएगी वो भी मीटर के फॉर्म में आएगी, क्लियर। यस सर। यस सर।
यार ओके, सो कम टू दिस कौन पोर्शन नाउ। दिस रिएक्शन टाइम के अंदर कुछ और फैक्टर्स थे जिनको हमें समझने की जरूरत है। ये हमारे की पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक की पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो रिएक्शन डिस्टेंस के अंदर हमारा एक है रिएक्शन डिस्टेंस को हम लैग डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक रिएक्शन टाइम होता है, तो आपको रिएक्शन टाइम वर्सेस रिफ्लेक्शन टाइम भी पता होना चाहिए, रिएक्शन वर्सेस रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये जो टाइम डिफरेंस है दिस विल बी क्लियर बाय ए थ्योरी नोन एज पीप थ्योरी। दिस पीप थ्योरी हैविंग फोर मेजर पॉइंट्स, परसेप्शन, आई स्टैंड फॉर इंटलेक्शन, इमोशन एंड वॉयलेशन, ठीक है। सो आपको बस इस तरीके से ध्यान देना है, एक ब्रेन बनाना है, आई एंड ई को ब्रेन के अंदर रखना है, पी एक्टिविटी से आई पे जाना है, आई से ई पे आना है, ई से वी पे आना है, ठीक है। सो अगर आप इस तरीके से अपने डायग्राम को शो करते हैं, दिस इज योर ब्रेन और ए ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अगर आप इस तरीके से डायग्राम शो करते हैं, जो टाइम टेकिंग फॉर एक्टिविटी पी टू आई देन आई टू ई देन ई टू वी, इतने में जितना टाइम लगा है वो आपका होता है रिएक्शन टाइम, ठीक है। और अगर आप उसी के नीचे एक डायग्राम और बनाइए, पी से डायरेक्टली वॉयलेशन के लिए एरो बना दीजिए, सो टाइम टेकिंग फॉर द एक्टिविटी पी टू वी विदाउट आई एंड ई इज नोन एज रिफ्लेक्शन टाइम, रिफ्लेक्स एक्शन ठीक है, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन टाइम। तो यहाँ पे आप ये चीजें बता सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात और है, देखो अब मैं एक एक करके फिर से समझा देता हूँ। परसेप्शन मतलब होता है फील करना विद द हेल्प ऑफ योर सेंसेस, जो बॉडी में सेंसेस है उनसे सिचुएशन को फील करना। इंटेलेक्शन का मतलब है न्यू आइडिया जनरेट करना, न्यू आइडिया जनरेट हो रहे हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है। इमोशन इट इज रिलेटेड टू योर कंडीशन ऑफ योर मेंटल हेल्थ, आप किस तरीके के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपका अभी करंट सिचुएशन में क्या स्टेट ऑफ माइंड है, आप सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं कि नहीं करते, टाइम कौन से टाइम पे आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इमोशन में, जैसे हमें बताया जाता है कि रात में हमारे रिएक्शन टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हमें रात में चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन वही चीज अगर हम दिन में करेंगे तो हमारा रिएक्शन टाइम कम होगा। तो ये सारी चीजें इस हिसाब से होती है। इमोशन मतलब जो आप पहले से फेस करते हुए आ रहे हो चीजों चीजों को, उनके हिसाब से आप जो सोचते हो ब्रेन में, ठीक है, वो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है इमोशन एक्टिविटी के अंदर। और जो लास्ट हमारा वॉयलेशन है, जो फाइनली आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब आपको कौन सा टास्क करना है, ठीक है, आपको ब्रेक मारना है या नहीं मारना है, या ओवरटेक करना है, स्पीड कम के करके साइड से निकल जाना है, तो ये सारा जो प्रोसेस आता है ये वॉयलेशन के अंदर आता है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एसएसडी। सेकंड पार्ट ऑफ एसएसडी को अब हम यहां से कवर करते हैं। सेकंड पार्ट में कुछ फैक्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझते हैं। जैसे कैपिटल वी और स्मॉल वी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जी को भी हमने यहाँ पे वैल्यू में कवर कर चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे एक एफ है, दिस इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है? लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू हमारे पास 0.35 से लेकर 0.4 के बीच होती है। ये डिपेंड करता है स्पीड पे, जो 0.35 होती है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द स्पीड ऑफ 100 km/h। नोट डाउन कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास 0.4 होता है वो हमारा 20 to 30 km/h स्पीड के लिए एप्लीकेबल है। कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब किसी के पास है, या इसका जवाब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी चीज है, आप सिर्फ फॉर्मूला देख के इसका जवाब देना है। चलो मैं बता देता हूं, आप अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूले में जो एसएसडी है दैट इज डिपेंड इनवर्सली ऑन
फ्रिक्शन कोफिशियंट। तो अगर स्पीड अगर आपकी ज्यादा होगी तो आपको किसी ऑब्जेक्ट पे बिना कोलाइड करके रुकने के लिए ज्यादा डिस्टेंस की जरूरत होगी। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा तो एसएसडी भी क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए। और एसएसडी ज्यादा कब होगी, जब आपका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि डिनोमिनेटर में है यहाँ पे वो क्या होगा, कम होगा। तो एक तो यहां से भी आप ये रिलेशन निकाल सकते हो, फॉर्मूले से ही रिलेशन निकल सकता है। इसीलिए जो 0.35 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज एप्लीकेबल फॉर हायर स्पीड एंड दिस इज जनरली 100 km/h और मोर देन 100 km/h। देयर 0.4 कोफिशिएंट फ्रिक्शन इज टेकन फॉर लोअर स्पीड, और यहाँ पे लोअर स्पीड की हमने रेंज आपको दे रखी है 20 से 30 km/h। ठीक है, तो ये आपका फ्रिक्शन का वैल्यू है, आप इसको समझ गए होंगे। इसी के साथ आपको ये वाला फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया होगा। ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि जनरली हम जो हमारी स्पीड होती है वो स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में नहीं होती इंडिया में, वो स्पीड हमारी किस पे होती है, किलोमीटर पर आवर पे होती है। आपके जितने भी साइंस होते हैं उसमें भी जो आपकी स्पीड्स लिखी रहती है वो किलोमीटर पर आवर होती है। जो आपके व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें भी जो स्पीडोमीटर होता है उसमें भी जो स्पीड होती है वो KMPH पे होती है। तो KMPH पे मैक्सिमम जगह पे हमें स्पीड देखने को मिलती है, दैट्स वाई हमें ये सेकेंड फॉर्मूला डिराइव करना पड़ा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है गेट के एग्जामिनेशन में या कभी फ्यूचर में जो एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पे ये पूछा जाएगा, तो वहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और इसको सिंपली क्या, अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखते हो तो इस स्मॉल वी को कैपिटल वी में बदलने के लिए आपको इसको 1/3.6 से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है कैपिटल वी को, दैट्स इट। अगर जहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, अदरवाइज आपका फॉर्मूला होगा। और मेरा कहना मानिए तो आप इस वैल्यू को याद कर लीजिए 254, क्योंकि आगे आने वाले फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू आपको टिप में याद होनी चाहिए अगर आपको फर्स्ट कैलकुलेशन करनी है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर फ्रिक्शन कोफिशिएंट। नाउ कम टू द पोर्शन ऑफ योर ग्रेडियंट। वी हैव टू टाइप ऑफ ग्रेडियंट। द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज योर असेंडिंग ग्रेडियंट। ठीक है, और ये हमारा असेंडिंग ग्रेडियंट है, मींस अपहिल में हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो इन दिस केस वी हैव, दिस इज माय एन एंड दिस इज माय 100 मीटर। सो आई कैन से माय ग्रेडियंट इज n% हेयर, क्लियर। एंड आई हैव ए डिफरेंट अप्रोच विच इज डिक्लिनेशन, डाउनहिल डायरेक्ट, डाउनहिल में मैं मूव कर रहा हूँ और मेरा व्हीकल यहाँ टॉप कंडीशन पे है। तो जब मैं डाउन में मूव करता हूँ तो ग्रेडियंट मेरे पास सेम है, n मीटर इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड 100 मीटर इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। सो यहाँ पे ये मेरे पास दो केसेस हैं। तो जब अप हिल जा रहे थे तो मैंने पॉजिटिव n% ले लिया, जब डाउनवर्ड आ रहे तो मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव n% कंसिडर कर लिया, राइट। अब मुझे बताइए जब मैं अप हिल जाता हूं तो मेरे व्हीकल की पावर क्या हो जाती है, एज कंपेयर टू मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हाईवे, माई पावर आउटपुट विल बी रिड्यूस। ठीक है, व्हीकल जो पावर यहाँ पे जनरेट कर रहा है और जो पावर इसके टायर तक पहुंच रही है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू अप हिल कंडीशन। इज इट क्लियर। यस सर। ड्यू टू दिस फिनोमिना, ड्यू टू दिस फिनोमिना द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस व्हीकल टूवर्ड द अप हिल विल बी लेस। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा यह है कि डिस्टेंस अप हिल में क्या होगी, ये लेस हो गई है। तो डिस्टेंस अप हिल में लेस तब होगी, अब आप फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, एस एस डी लेस तब होगी जब डिनोमिनेटर में कोई चीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ने का मतलब यह है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई चीज को बढ़ाना है तो देखो फ्रिक्शन तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, फ्रिक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं, हम एन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, n% को। तो अगर आप अप हिल में जा रहे हो और अगर आपको डिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये क्या करना पड़ेगा, साइन प्लस करना पड़ेगा, राइट। तभी तो आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल एसएसडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज इट क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ रहा है।
यस सर, ठीक है, यस ऐसे याद रखिए सर, इसको। दूसरा कंसेप्ट पे चलिए, दूसरे कंसेप्ट पे जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो कम पावर जनरेट करते हुए भी ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी योर व्हीकल मूव हायर डिस्टेंस, और यू कैन से योर व्हीकल कवर हायर डिस्टेंस। जब आपका व्हीकल हायर डिस्टेंस कवर करेगा तो आपका एसएसडी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, आपको एसएसडी ज्यादा देनी पड़ेगी। जब आपको एसएसडी ज्यादा देनी पड़ेगी, इस केस में आपका डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है रिलेटेड टू योर एन परसेंटेज मस्ट बी लेस, और ये तभी लेस होगा जब आप इसको यहाँ पे क्या करोगे, माइनस साइन एप्लीकेबल करोगे। तो यहां से आपको यहाँ का रिलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो एक एक तरीके का रिलेशन हो गया जो आप इसको लॉजिकली समझा रहे हो। दूसरे तरीके का रिलेशन क्या है कि आप सिर्फ इस प्लस पे ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस पे ध्यान दीजिए, प्लस फॉर अपहिल और माइनस फॉर डाउनहिल। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसमें आपको याद रखना है, सिर्फ आप इसे लॉजिकली कुछ समझा नहीं रहे हो, आपको सिर्फ फॉर्मूले में आपने बस ये कह दिया है कि प्लस का मतलब अपहिल से होता है, अपहिल में जब मूव कर रहे हैं, और नेगेटिव का मतलब डाउनहिल में जब हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो दूसरा तरीका हो गया जो सिंपल तरीका है, मतलब एक तरीके से की पॉइंट्स है याद रखने के लिए, और पहला तरीका मैंने आपको रिलेशन करके बता दिया। अब मुझे यहाँ पे एक बात समझानी है आपको, या आप मुझे वो समझाओ कि अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन है, ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन है और मेरे पे यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल इज नॉट गिवन, ओनली द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एसएसडी। क्वेश्चन में मेरे को ये नहीं बोला गया है कि मेरा व्हीकल ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनहिल अपहिल के बारे में नहीं कमेंट किया है, सिर्फ ग्रेडियंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्रेडियंट गिवन दे रखा है कि n/100 का ग्रेडियंट है, ठीक है। तो आप कौन सा वाला केस कंसिडर करेंगे फॉर योर एसएसडी, फॉर योर कैलकुलेटिंग सेफ एसएसडी के लिए? आपके पास एसएसडी का मतलब स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस है, अब इसके आगे मैं सेफ लगा दे रहा हूं, तो सेफ एसएसडी के लिए कौन सा वाला केस कंसिडर करेंगे, केस नंबर 2 और केस नंबर 1? बन सर, बिल्कुल गलत आंसर। सेफ कंडीशन कब होती है? समझिए सेफ टू हो कंडीशन तब होती है जब हमारी डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो यही डिस्टेंस अगर सपोज यहां पे ये डिस्टेंस आई है 100 मीटर, और यहां पे D1 पे जब डाउन अपहिल में जा रहा था तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली 100 मीटर से कम आएगी, कितनी आएगी, 70 मीटर मान लीजिए। तो अगर मैं 100 मीटर की वैल्यू ही यहीं पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं 100 मीटर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, सो फॉर दैट केस अगर मैं 2 से कैलकुलेट करा हुआ एसएसडी 1 पे भी एप्लीकेबल कर दूँ, 1 को भी 100 मीटर दे दूँ, तो वो मेरे लिए सेफ होगा। लेकिन जो आंसर आपने दिया है उस आंसर के अकॉर्डिंग अगर 70 मीटर इसके लिए सेफ है, बट 70 मीटर केस नंबर 2 के लिए सेफ नहीं है, ठीक है। तो हमेशा हम सेफ एसएसडी कौन से लेंगे? सेफ एसएसडी हम हमेशा डाउनहिल डायरेक्शन में लेंगे। इज इट क्लियर? यस सर, अब गेट में इस पे यस सर, क्वेश्चन इसी पॉइंट पे आता है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जो गेट में क्वेश्चन आता है वो इसी बात पे आता है, सेफ एसएसडी के ऊपर आएगा क्वेश्चन। कोई भी आप एक गेट का एग्जामिनेशन देख लीजिए प्रीवियस ईयर के, आपको ये मिल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज लास्ट जो मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि आप एन की वैल्यू को कैसे कंसिडर करेंगे, एन की वैल्यू को फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, ठीक है। अभी आप ये जो फॉर्मूला है इसमें आपने क्या रखा, 2 5 4 f+- n% डिनोमिनेटर में रखा है, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे f की वैल्यू तो आपकी 0.35 या फिर 0.4 हो जाएगी, पर जनरली हम 100 km/h पर मूव कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेसवे को, नेशनल हाईवे को, स्टेट हाईवे की बात करते हैं, तो ज्यादातर केसेस में जो आपका आंसर होगा वो 0.35 यूज करेंगे हम वहां पे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में हम जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके उसमें देखना आपकी स्पीड मोर देन 30 km/h होगी, और जब भी मोर देन 30 km/h की स्पीड होगी तो वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट ही 0.35 लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को
कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट में ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये एन है तो एन की वैल्यू हमारे पास कैसे दे रखी है, सपोज दिस इज योर अपहिल रोड की कंडीशन है, तो एन यहाँ पे 5 दे दिया और यहाँ पे कितना दे दिया 20 दे दिया, 20 मीटर एंड 5 मीटर। तो इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 5/20 दिस इज द ग्रेडियंट, दोनों तरफ हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा 5/20 100 इंटू परसेंटेज, कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताइए ना। यस सर, ठीक है, तो आपको ये आपका परसेंटेज के फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इससे भी सिंपल है कि आप क्या करिए, जो आपको वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 5/20 इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होगा 25/100 है ना, 25/100 अगर मैं इसको परसेंट में करूं तो ये मेरा क्या होगा 25/100 इज इक्वल टू 25%। तो सेकंड वाले मेथड को आपको अडॉप्ट करना है, इज इट क्लियर, सेकंड वाले मेथड को आपको अडॉप्ट करना है और यहाँ पे परसेंटेज आ गया। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा या 0.25 होगा, यहाँ 0.25 वैल्यू यहाँ पे एन की होगी, जो ये बाद में परसेंटेज लगा रखा है, परसेंटेज ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ पे जो इनपुट है वो परसेंटेज के फॉर्म में ग्रेडिएंट को लाना है, पहले परसेंटेज के फॉर्म में ग्रेडिएंट को लाना है, उसको डिवाइड बाय 100 करना है, जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे एन की रखनी है। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम? यस सर, यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। बस तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो एन की वैल्यू आएगी वो पॉइंट में ही आएगी, बस इसको आप थर्ड स्टेप में मेरे हिसाब से आप बस ये याद करिए कि एन की वैल्यू यहाँ पॉइंट में आएगी, ये परसेंटेज परसेंटेज भूल जाए, सिर्फ एन की वैल्यू पॉइंट में याद रखनी है बस, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी पॉइंट में है तो एन भी पॉइंट में ही आएगा। सो दिस इज द डिटेलिंग पोर्शन ऑफ योर एसएसडी जो कि आपके न्यूमेरिकल में आएंगे। इससे रिलेटेड मैंने एसएसडी से रिलेटेड मेरे एक वीडियो बन रखी है गेट के क्वेश्चंस के ऊपर, वो मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसको देख लीजिए, पहले पॉज करिए वीडियो को, खुद से सॉल्व करिए, नहीं होते हैं तो फिर उसमें सॉल्यूशन चले जाए, क्योंकि उसमें मैंने सॉल्यूशन करना नहीं दिखा रहा था, बस आपको ये बता रहा कि कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल लगेगा, बाकी कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। सो टुडे आई एम मूविंग टू अनदर टॉपिक, अनदर न्यू टॉपिक विच इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और यहाँ पे मैं अभी आपको इसका ओवरव्यू दे दूंगा और उसके बाद कोशिश करेंगे इसका फॉर्मूला डिराइव करने की, और अगर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा तो फिर हम डिटेलिंग में भी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेलिंग में चलेंगे, अदरवाइज आई हैव टू टेक टू मोर लेक्चर टू कवर दिस टॉपिक। हालांकि बहुत सिंपल टॉपिक है बट कुछ बारीकियाँ हैं इसमें समझाने के लिए, वो ज़्यादा जरूरी है। तो जब भी आप सड़क पर चलते हो, देखो इमेजिन करो, जब आप सड़क पर चलते हो, कार से जा रहे हो, कार का एग्जाम्पल लीजिए, या लोग जो लोग बस में जाते हैं या किसी भी व्हीकल्स में जाते होंगे, तो जब वो आगे बैठते हैं कभी तो उन्हें देखा होगा कि ओवरटेकिंग प्रोसेस कैसे होती है। तो ओवरटेकिंग प्रोसेस कैसे होती है कोई बताएगा मुझे? कैसे होती है ओवरटेकिंग प्रोसेस? सर पहले रियर व्यू मिरर में देखते हैं पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर ओवरटेक करके वापस अपनी लेन में आना पड़ता है। वेरी गुड, तो हमारे पास क्या है, बहुत ही डिस्क्राइब वे में तो नहीं बोला, बहुत ही ब्रीफ बोला, तारिक हो ना तुम? यस सर। ठीक है, तो तारिक ने जो आंसर बताया वो क्या बताया कि हम पहले रियर व्यू में देखते हैं पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, कौन सी लेन में, देखो अगर तारिक इस लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो तारिक ये टी है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नेम ऑफ तारिक, तो यहां से तारिक ने अपने रियर व्यू में देखा, अब उसने ये नहीं बताया कि कौन से वाले रियर व्यू में देखना है, IRVM या ORVM। अब क्या मतलब होता है इनका, दिस इज इनर रेयर व्यू मिरर,
आउटर रेयर व्यू मिरर, तो ये जो गाड़ी के साइड में होते हैं ना, ठीक है, जो साइड में होते हैं वो आउटर होंगे और जो इनर होगा वो सेंटर में होता है, ठीक है, जिससे आप पीछे वाले कांच से फिर पीछे देखते हो। तो हमें इनर की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, अभी हम आउटर की कर रहे हैं। आउटर के भी कौन सा देखेंगे हम, यहां वाला देखेंगे, ड्राइवर साइड, ठीक है, ड्राइवर साइड वाला देखेंगे। अगर मेरे इस लेन में कोई मुझे ओवरटेक नहीं कर रहा है तो मैं यहां आ सकता हूं, ठीक है, लेकिन साथ में मैं यहां से अपना विजन से यहां भी देखता हूं कि मेरे को यहां से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही, क्योंकि दिस इज अ टू लेन। अगर ये गाड़ी यहां से आ रही होगी तो मैं, जैसे सपोज ये गाड़ी, इसका मुंह यहाँ है, ठीक है, क्रॉस जो है वो मुंह है, तो मैं यहां इस लेन में नहीं आ सकता हूं ना। इज इट क्लियर? दिस इज माई लेन वन एंड दिस इज ऑपोजिट लेन टू। तो मुझे ओवरटेक करना है किसी स्लोअर व्हीकल को, तो मुझे ओवरटेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेन टू में आना पड़ेगा। लेन टू मतलब अपनी लेन चेंज करनी है, वन से लेन टू में आना है, वन से लेन टू में आना है, देन ओवरटेकिंग प्रोसेस करनी है और देन अपनी लेन में वापस हो जाना है। सो दिस इज द लाइन डायग्राम, ऐसा कुछ लाइन डायग्राम बनेगा, ठीक है ना, क्लियर। ये तो एक सिंपल ओवरटेकिंग यस प्रोसेस सर। हो गया। अब इसमें हम कुछ बारीकियां समझते हैं इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव व्यू से, ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव व्यू से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत सी ज्यादा छोटी बात कर दी है, बहुत ही ज्यादा छोटे वे में हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इन सबके बीच में बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी डिटेलिंग होती है जिनको हम मिस कर चुके हैं, जिनके बेसिस पे हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता हूं कि ओवरटेकिंग आप प्रोसेस तभी करोगे जब आपके आगे कोई गाड़ी होगी, तभी आप ओवरटेक करोगे, बिना उसके तो ओवरटेक नहीं होगा ना। तो यहां पे अभी आपकी स्पीड क्या थी, आपकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड थी, तो मैं आपकी मैक्सिमम स्पीड को अभी यूज कर रहा हूं स्मॉल वी से, मीटर पर सेकंड में, तारिक की जो मैक्सिमम स्पीड थी उससे मूव करा था। उसके बाद जब आगे मूव करा तो उसको एक स्लोअर व्हीकल नजर आया, तो एक बड़ा सा ट्रक उसको नजर आया यहाँ पे, ठीक है, जिसको उसको देख के चलना था, ओवरटेक करना था। तो क्या तारिक ने सीधा यहां से आया, देखो बताना मुझे, यहां से आया और सीधा ट्रक को देखा, ट्रक स्लो चल रहा है, सीधा ऐसे हो गया, ऐसे हुआ क्या, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब ये जो ट्रक है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्मॉल वी होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं स्मॉल, ये जो वी बी है दिस इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। तो ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग व्हीकल, और यह है ओवरटेकन, ओवरटेकन व्हीकल। तो ओवरटेकन की वेलोसिटी वी बी है और ओवरटेकिंग की जो वेलोसिटी है वो स्मॉल वी है, मतलब समझ रहे हो बात को, तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए तभी तो ओवरटेकिंग प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी चीज ये होगा कि जब तारिक यहां पे आया तो उसने देखा कि यहां पे ये ट्रक है ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी बी, तो अभी तारिक ने कोई डिसीजन नहीं लिया ओवरटेकिंग का, जब तक उसने कुछ प्रोसेस नहीं करे, कुछ एक्टिविटीज फाइंड आउट नहीं करी, ठीक है, जब तक वो श्योर नहीं हुआ कि मैं ओवरटेक करूंगा तब तक नहीं करेगा। तो जब तारिक इसके पीछे यहां पे आया, तो स्टेज टू में, स्टेज टू में जब ये व्हीकल इस ट्रक के पीछे आया जो ओवरटेकिंग व्हीकल था, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या चेंज हो गई, वी बी चेंज हो गई। नाउ द बोथ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, दिस इज योर डायग्राम नंबर टू। सो यहां से मैंने फर्स्ट, ये मेरा सेकंड डायग्राम, समझ में आ गया आपको, यस सर। ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर द सर्टेन टाइम, मतलब कुछ टाइम तक सोच चलने के बाद, तो जो सर्टेन टाइम होगा, देखो एक सर्टेन टाइम मैंने यहाँ पे ले लिया विच इज माई रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में क्या होता है, रिएक्शन टाइम में आप डिसीजन लोगे ना कि आपको ओवरटेक करना है कि नहीं करना, वायोलेशन करना है कि नहीं करना। तो रिएक्शन टाइम के बाद, तो टू से थ्री में जाने पे, टू से थ्री प्रोसेस में आने पे आपने क्या करा, डिसीजन लिया, ठीक है, यहाँ पे आपका रिएक्शन इतने टाइम में, आपका ये टाइम क्या हुआ, रिएक्शन टाइम में कन्वर्ट हो गया। तो आपने यहाँ पे डिसीजन ले लिया कि अब मुझे ओवरटेक करना है। डिसीजन आप कैसे लेते हो,
डिसीजन आप इस तरीके से लेते हो कि आपके सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ कुछ समझाने के लिए। बेटा ये एक बार में नहीं समझ में आएगा, बट जिस हिसाब से मैं एफर्ट लगा रहा हूँ डीप स्लोली समझाने के लिए, आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पर आप स्टोरी की तरह से समझिए। तो अब क्या हुआ, अब मैं स्टेज टू में हूँ। नाउ आई हैव डिसाइड कि नाउ आई हैव टू टेक ओवर टेकिंग प्रोसेस। तो ओवरटेकिंग प्रोसेस में मैंने अब अपनी गाड़ी को यहाँ से यहाँ लाया, यहाँ से अपनी गाड़ी इतने ड्यूरेशन तक भगाया। इतने ड्यूरेशन में क्या हो जाना चाहिए, इतने ड्यूरेशन में के बाद मैंने फिर यहाँ आ गया, ठीक है। सो अब मेरा व्हीकल कहाँ आ गया, मेरा व्हीकल यहाँ पे आ गया। ओवरटेकिंग जो व्हीकल है यहाँ पे आ जाना चाहिए, और ये ओवरटेकन व्हीकल इस जो ट्रक है वो वीबी से दौड़ रहा है, तो ये अपने स्पीड से आराम से अपनी कछुए की चाल से चल रहा है, तो इसमें इतना आ जाना चाहिए। ये भी तो अपने जितने टाइम में मैं आगे बढ़ा उतने टाइम में मैंने, ये ट्रक भी तो आगे आएगा ना, इसकी तो पोजिशन चेंज होगी, ये रुका हुआ थोड़ा ना है, ये भी तो मूव कर रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पे आपने क्या करा, यहां पे आपको एक टाइम लगा। अब मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं, कैसे करता हूं, इसको थोड़ा रब कर देता हूं। तो अब देखिए ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बना, ठीक है। तो जब आप मूव करते हो ना हाईवे पे, तो आप एक एक स्पेस बना के चलते हो किसी भी व्हीकल के पीछे, ठीक है। ये स्पेस क्या करता है, ये स्पेस, क्योंकि अगर आपके आगे वाले व्हीकल ने इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, तो ये स्पेस इतना इनफ होता है कि वो अगर आप ब्रेक मारोगे तो आप बिना कोलाइट के सिर्फ टकरा जाओगे। तो अभी तो हमने एक चीज पढ़ी थी, हमारी क्या थी, SSD पढ़ी थी हमने। SSD में भी यही चीज होता है कि हमारे पास आगे हमने एक ऐसा स्पेस रखना है जिससे अगर हमें कोई कोई ऑब्स्टिकल दिखा सड़क में, तो वो ऑब्स्टिकल को क्या करें, हम उस ऑब्स्टिकल से बिना कोलाइट करे रुक जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस वाले जो केस है इसको भी हम SSD बोल सकते थे, लेकिन SSD हम इसलिए नहीं बोल सके क्योंकि जो SSD में ऑब्स्टिकल था वो एट रेस्ट था, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये स्पेस है इसमें भी जो हमने ये सेफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस है उसमें हमारा जो ऑब्स्टिकल है वो क्या है, मूविंग कंडीशन में, जो ट्रक है हमारा वो मूव कर रहा है ना। दैट्स वाई ये जो स्पेस है, इस स्पेस के लिए मैं जो SSD का फॉर्मूला है स्मॉल टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2gf, इसको नहीं यूज करूंगा डायरेक्टली। इज इट क्लियर, इज इट यस सर, क्लियर, बिकॉज यस सर, ओनली द डिफरेंस इज एट हेयर द ऑब्स्टिकल इज एट रेस्ट कंडीशन, वेयर इन हाईवे द ऑब्स्टिकल विच इज ट्रक स्लोअर व्हीकल इज इन मूविंग कंडीशन। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन होगी स्पेस की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर वेलोसिटी वी। अब ये वेलोसिटी वी किसकी होनी चाहिए, ये वेलोसिटी हमें ये स्पेस किसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन कर रहे हैं, ये वेलोसिटी किसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन कर रहे हैं, जो स्पेस में बना रहा हूं। अगर ये स्लो व्हीकल 100 km/h से जाएगा तो मुझे स्पेस ज्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यही स्लोअर व्हीकल 20 km/h से जाएगा तो फिर मुझे स्पेस क्या करना पड़ेगा, कम बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक में मेरा व्हीकल टू व्हीकल जो स्पेस होता है वो कम होता है, और हाईवे में जब स्पीड आगे वाले व्हीकल की बढ़ती है तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, स्पेस इंक्रीज करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट द स्पेस बिटवीन टू व्हीकल विल बी डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ फ्रंट व्हीकल, जो फ्रंट व्हीकल की स्पीड है ना उस पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, द स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू योर वी बी। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट। अब जब भी हम कोई यस प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कांस्टेंट रखने पड़ते हैं, कुछ वैल्यूज रखने पड़ते हैं। सो दिस इज माय एम्पीरिकल फॉर्मूला। एम्पीरिकल फॉर्मूला मतलब होता है कि हमने एक अप्रोच से कोई फॉर्मूला अडॉप्ट कर लिया और उसी को हम लेते हुए चल रहे हैं। तो यहां पे हमने इसको रखा है 70%, 70% ऑफ वेलोसिटी प्लस 6 m/s। सो दिस इज माय एम्पीरिकल फॉर्मूला, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। हम ये
फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया। तो यहां पे जो स्पेस है यहां से लेकर यहां तक, ये स्पेस हो गया एस, ठीक है। सिमिलरली स्पेस हमें, यही स्पेस हमें यहां भी मेंटेन करना है पीछे वाली व्हीकल के लिए, ठीक है ना। बात समझ में आई, आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास, हमने ये स्पेस हमारा देखे, ध्यान दीजिए स्पेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे। स्पेस की वैल्यू 70% ऑफ वी बी प्लस 6 मीटर है। अब ये वी बी क्या है, मीटर पर सेकंड में। अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे के एम पी एच में तो क्या होगा, 0.7 मल्टीप्लाई 0.278 कैपिटल वी बी प्लस 6 मीटर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.27, कितना हो जाए, 0.2%, मतलब 20% ऑफ कैपिटल वी बी प्लस 6 इन मीटर आएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो एक तो ये चीज आपको याद रखने की, स्पेस हमने यहाँ पे कितना दे दिया। अब मैं इसको फिर से रब कर दे रहा हूं, ओके। नाउ यहां पे आप बताइए मुझे, ध्यान से बताइए कि आपकी यहां पे आपका वेलोसिटी कितनी थी, यहां पे आपकी वेलोसिटी क्या थी गाड़ी की, तारिक की गाड़ी की वीवी थी, ठीक है, उसने लेन चेंज करी ना। और सिमिलरली यहां तक आते आते, यहां तक आते आते तारिक की वेलोसिटी कितनी होगी, होगी मतलब हाईएस्ट वेलोसिटी होगी होगी। यहां पे क्या एक्ट कर रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन, तारिक ने अपनी गाड़ी को क्या किया, एक्सेलरेट किया ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, किया कि नहीं किया। तो उसने जब एक्सेलरेट करा तो उसकी स्लोअर व्हीकल की स्पीड से लेकर हायर व्हीकल की स्पीड तक मूव हो गया। तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम कहते हैं डिजाइन, मतलब आप किसी सड़क पे कितनी वेलोसिटी अचीव कर सकते हो, जितनी उस सड़क की डिजाइन वेलोसिटी होगी। अगर आप यमुना आगरा एक्सप्रेस वे में चलेंगे तो आपकी वहां पर वेलोसिटी हाइस्ट कितनी हो सकती है, 110-120 वेलोसिटी पर मीटर के एम पी एच पर आवर, ठीक है। तो यहां पे हमने इस वेलोसिटी को क्या ले लिया कि दिस मस्ट बी माय हाईएस्ट वेलोसिटी, और ये आपकी कितनी हो सकती है, डिजाइन स्पीड के बराबर हो सकती है, ठीक है, क्लियर। अब आप अगर एक चीज ध्यान देंगे तो यहां पे एक चीज और है कि ये स्लोअर व्हीकल, ये स्लोअर व्हीकल जो कि किस वाली वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वी बी से मूव कर रहा था, ये भी इस पोजिशन से फ्रॉम द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट टू द पोजिशन ऑफ बी पॉइंट मूव करा। तो अगर मैं यहाँ का डिस्टेंस निकालू तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड मेरे पास क्या है वी बी इंटू टाइम। अब यही टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, अगर किसी तरीके से ये टाइम मुझे पता हो जाए किसी इक्वेशन से, तो मैं अगर उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ए बी की डिस्टेंस मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। यस सर। तो ये जो आपने स्टेप थर्ड करा, दिस इज माय स्टेप थर्ड, ठीक है, वन से टू पे आए थे, टू से थ्री पे आए। अब ये थ्री के बाद जो आपने स्टेप करा है इसमें आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, एस प्लस एस प्लस ए बी, आई कैन से दैट दिस इज टू टाइम ऑफ एस प्लस ए बी, ठीक है। तो ये एक डिस्टेंस डी टू ले लेता हूं मैं, या आप इसके लिए इसको मैं क्या ले लेता हूं, डी टू ही मान लीजिए इसको, ठीक है, डी टू मान लीजिए, जो कि आपकी थ्री के बाद हुई थी। अब टू से थ्री आपने क्या ले रखा था, रिएक्शन टाइम ले रखा, तो डी वन क्या हो जाएगा, डी वन आपका रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम क्या होगा आपका, डी आर मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, वी बी हो जाएगी। क्योंकि जब आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे ओवरटेक करनी थी उस वक्त आपकी वेलोसिटी क्या थी, वी बी थी, ठीक है। सो दिस इज योर डी वन एंड दिस इज योर डी टू, तो डी वन और डी टू आपको समझ में आ गया होगा, आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि ये टाइम कैपिटल टी टाइम है, याद नोट करिए, कैपिटल टी टाइम में ओवरटेकिंग प्रोसेस हुई है, तो इतनी ही प्रोसेस, ओवरटेकिंग प्रोसेस कैपिटल टी टाइम में हुई थी। तो अगर यहां सामने से कोई गाड़ी आ रही होती, अब नाउ दिस इज टू वे टू लेन हाईवे, अभी तक मैंने क्या करा था फॉर वन वे टू लेन हाईवे, तो अभी तक मैंने आपको जो प्रोसेस बताया वो वन वे और
टू लेन हाईवे का था, लेकिन अभी क्या है, लेन तो दो ही है लेकिन दो वे, टू वे ट्रैफिक है। तो टू वे ट्रैफिक में गाड़ी कहां से आती है, यहां से यहां आती है, ठीक है। तो जब आपने ओवरटेकिंग प्रोसेस शुरू करी तो उस वक्त आपका टी क्या था, जीरो था। जब आपने ओवरटेकिंग प्रोसेस खत्म करी तो आपकी गाड़ी कहाँ आ गई, आपकी गाड़ी तारिक की गाड़ी यहाँ आ गई ग्रीन कलर में। तो ये जो ये वाली गाड़ी थी जो अपोजिट साइड से आ रही थी ओ करके, वो कहाँ पे आनी चाहिए, वो यहाँ पे आनी चाहिए अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक उसने क्या करा, एक डिस्टेंस ट्रेवल करा, और टी टू टी यहाँ पे क्या था, जीरो था, और यहाँ पे ओवरटेकिंग टाइम क्या हो गया, टी इक्वल टू टी हो गया टाइम, हुआ ना। और ये जो वेलोसिटी है इस व्हीकल की अपोजिट से आ रही है, ये तो अपनी हाईएस्ट स्पीड से आ रही होगी, तो हाईएस्ट स्पीड मैंने डिजाइन स्पीड रखा है, तो यहाँ पे भी मैं इसको वी रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये d3 है, तो d3 इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी हाईएस्ट इंटू कैपिटल टी, सो दिस इज माई d3। तो अगर आपका क्वेश्चन होगा टू वे टू लेन, तो उसमें आपको d3 भी ऐड करना है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में बात आई, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ फिगर, समझ में बात आई, d1 क्या है, d2 क्या है, d3 क्या है, ये बात समझ में आ गई आपकी, या किसी को कंफ्यूजन है। हाँ एनीवन, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। कोई है ऐसा जिसको इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर, D1 में d1 में, वेरी गुड। d1 क्या है, d1 वो डिस्टेंस है, d1 क्या है आपकी, d1 को मैंने यहां पे लैग डिस्टेंस बोला है, और लैग डिस्टेंस आपका क्या है, लैग डिस्टेंस आपका क्या है, रिएक्शन डिस्टेंस है। तो ये रिएक्शन डिस्टेंस आपका ओवरटेकिंग में भी जुड़ रहा है, जैसे आपका एसएसडी में भी जुड़ा था वैसी ओवरटेकिंग में भी जुड़ रहा है। ये वो डिस्टेंस है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आपको ओवरटेक करना है। तो d1 तो वो हो गया, तो d1 ये हो गया ना, यस यहां से लेकर सर, यहां तक की जो वैल्यू है वो d1 ही तो है, ठीक है, यस सर, यस सर, समझ में बात आई, कि आपने यस सर, यस ओवरटेक सर, करना है तो वो d1 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आपने ओवरटेकिंग प्रोसेस शुरू करी तो इसमें आपका टाइम जीरो से स्टार्ट होते हुए कहां तक पहुंचा, कैपिटल टी तक पहुंचा, ठीक है, ओवरटेकिंग टाइम कह रहे हैं हम इसको। इस ओवरटेकिंग टाइम में सबसे सिंपल तरीका क्या था, वी बी मल्टीप्लाई कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी अभी मेरे को नहीं पता, मैं इसको निकालूंगा, इसको निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेलोसिटीज जो आपने एक्सेलरेट करी है अपनी गाड़ी को, उसकी उसकी एक्सेलरेशन ऑफ मोशन का जो इक्वेशन है उसको यूज करते हुए कैपिटल टी आई विल आइडेंटिफाई, ठीक है। और अगर सामने से भी गाड़ी आ रही है तो मतलब टू वे हाईवे है, टू वे हाईवे में ओवरटेकिंग कितने टाइम में हुआ था, ओवरटेकिंग आपके कैपिटल टी टाइम में हुआ था, तो उतने ही डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने कैपिटल टी को विद द वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी जो है दैट इज द हाईएस्ट वेलोसिटी व्हिच इज परमिसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर हाईवे, दैट इज अ सिंपल थिंग। सो योर ओवरटेकिंग डिस्टेंस इज d1 प्लस d2 प्लस d3, सिंपल। ओके सर, थैंक यू सर। चलो अब इस फिगर को भी समझ जाते हैं हम, इस फिगर को समझाएंगे बाद, बाकी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। कि अभी हमने क्या करा, तो हमने क्या करा, यहां से सबसे सिंपल चीज करी हमने क्या करा, कि हमने पहले मैं कलर कोडिंग करता हूं, दिस इज द स्लोअर व्हीकल, ठीक है, एंड दिस वन माई ओवरटेक करने वाला जो व्हीकल, और यहां से ये अपोजिट से जो व्हीकल आ रहा है ये टू वे के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड करा इस पॉइंट पे आके कि मुझे ओवरटेक करना है। तो इस पॉइंट पे आते आते मेरा जो एक डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करा होगा ग्रीन कार का, वो d1 है, ठीक है। उसके बाद यहां से मैंने क्या करा, ओवरटेकिंग प्रोसेस शुरू करी। तो यहां पे ओवरटेकिंग प्रोसेस शुरू करने के बाद आप देख सकते हो, देखो आपको मैं इसी फिगर के अकॉर्डिंग बताता हूं, ठीक है। यहां से यहां आपने d1 डिसाइड कर, बिल्कुल इसके पैरेलल आ गया, ठीक है, एक तरीके से
हालांकि ये फिगर ऐसा नहीं होगा, जब तक आप यहाँ पे आओगे ये गाड़ी आगे मूव कर जाएगी, तो इसीलिए जो मैंने फिगर नीचे बनाया था दैट इज वेरी एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट फिगर। बट अगर इसके हिसाब से चले तो इन्होंने क्या किया, यहां से यहां ये स्पेस है ठीक है, इस स्पेस को इन्होंने क्या कर दिया, कवर करा ठीक है, इसके स्पेस को कवर करा, तो ये एस होगा ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक इसने क्या करा, ओवरटेक करा, यहां से यहां इसने क्या कर दिया, ओवरटेक कर दिया। इन सच केस कि यहां पे ऐसे करके गाड़ी आ गई होगी ग्रीन कलर की गाड़ी, तो इसको हमने कहना है ए बी। और उसके बाद इस गाड़ी ने ओवरटेक तो कर दिया, यहाँ पे ट्रक है ठीक है, जस्ट यहाँ पे ये ग्रीन कलर की गाड़ी होगी। अब इसको क्या करना है, स्पेस बना मेंटेन भी करना, तो अगेन दिस इज योर स्पेस ठीक है। तो अब ये स्पेस इस तरीके से हो गया, कहां तक, इस गाड़ी के हेड पोजिशन तक। तो यहां पे जो ओ टाइम था जब आपने एक्सिलरेट करना शुरू किया, तो उस टाइम को हमने जीरो का, जब तक आपने गाड़ी एक्सिलरेट करी तो वो इस पोजिशन तक आया, तो उस टाइम को हमने कह दिया कैपिटल टी। इस जीरो से टी टाइम में एक और व्हीकल आपके अपोजिट डायरेक्शन में आया था जो कि ये है, यहां से ले लीजिए इसको। तो यहां पे आपका टाइम क्या था, जीरो था, जब ये यहां से यहां आया तो इसका टाइम क्या हो गया, टी हो गया। तो इसने भी एक डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो इसको हम कह रहे हैं आपको दिस डिस्टेंस इज डी थ्री डिस्टेंस। सो डी थ्री डिस्टेंस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो डी थ्री तो वेरी इजी अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां से टाइम इक्वल टू जीरो से लेकर टी तक जो वेलोसिटी थी किसकी, स्लोअर व्हीकल की, स्लोअर व्हीकल की जो वेलोसिटी है वो स्टार्ट हो रही है यहां से ए से लेकर बी तक ठीक है। तो जीरो से टी टाइम में ग्रीन कलर का व्हीकल एक्सिलरेट कर रहा है, और जीरो से टी टाइम में ही ब्लू कलर का जो व्हीकल है वो ए से बी पोजिशन में पहुंच रहा है। दोनों बातें समझ में आ रही है, तो जीरो से टी टाइम में ये ब्लू कलर का है, ये भी ए से बी पोजिशन में पहुंचा, तो मैं कह सकता हूं ये जो डी ए से बी डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई टाइम टेकिंग। सो जो टाइम ग्रीन कलर ने एक्सेलरेट करने में लगाया उतने ही टाइम में ब्लू कलर का जो स्लोअर व्हीकल है वो ए बी को कवर कर सका, तो यहां से ए बी आ गया। बाकी ये आपका एस है और ये आपका एस है, सो दिस होल डिस्टेंस इज कन्वर्टेड एज डी टू। ओके डी टू ये हो गया। और यहां से आपने शुरू में डिसीजन लेते वक्त जो लैग टाइम करा था वो हमारा डी वन था, तो ये हमारा डी वन यहाँ पे ऑब्वियसली सिंपल होता है वी बी इंटू रिएक्शन टाइम। सो माई इक्वेशन फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस विल बी लाइक दिस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस विल बी डी वन प्लस डी टू, और ओ एस डी इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री। दिस इज इन केस ऑफ अपोजिट ट्रैफिक, दिस इज इन केस ऑफ वन वे ट्रैफिक। ओके सो वैल्यू ऑफ डी वन इक्वल टू वी बी रिएक्शन टाइम प्लस टू एस प्लस वी बी कैपिटल टी, वेयर अपोजिट ट्रैफिक में, जो अगर ट्रैफिक में डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रहा तो सेम चीज हमारी होगी टी आर प्लस टू एस प्लस वी बी कैपिटल टी। और इसमें हम एक चीज और ऐड कर देते हैं वी टी, सो दिस मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ओ एस डी, एंड टुमारो क्लास आई विल फर्दर गो टू दिस टाइम टाइम वेरिएबल एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ वी कैलकुलेट दिस कैपिटल टी। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, यू आर ए लवली फुल ऑडियंस।